सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। कैसे आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट्स। आज फिर मैंने सोचा कि फिर मैं वर्कआउट शुरू करूँ, क्योंकि वर्कआउट मैंने बीच में छोड़ रखा था, इसलिए मैं वीडियो आ नहीं रहा था। और आज रात का 4 बज रहा है और मैं पार्क में हूँ अकेले, बिल्कुल अकेले, और ठंड का मौसम है और कोई नहीं है पार्क में बिल्कुल। तो मैं सोचा कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ। जैसे कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 12th का, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन फिर मैं सोचा कि वर्कआउट भी करना जरूरी है, क्योंकि भाई वर्कआउट नहीं कर रहा था तो फिर मैं बिल्कुल सा अनफिट फील कर रहा था, फिर बिल्कुल एनर्जी लग नहीं रहा था कि एनर्जी वगैरह है, बिल्कुल अनफिट था शरीर। तो मैंने सोचा कि वर्कआउट और 24 घंटा में एक घंटा तो शरीर के लिए निकाल सकता हूँ ना, और अभी एक घंटा निकालिए और वर्कआउट करिए, क्योंकि वर्कआउट से ही कल्याण हो सकता है हमारा बॉडी का। तो देख पा रहे कि 4 बज रहा है और कोई नहीं है बिल्कुल पार्क में, ठंड का मौसम है, अभी मैं दो पहना हुआ हूँ। तो यही सब है, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वीडियो डेली आ सकता है मेरा, क्योंकि वर्कआउट फिर से मैंने किया है स्टार्ट। तो चलिए फिर करते हैं अपना वर्कआउट वगैरह, और इसके कारण से ही वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं 12th का पेपर गया है तो मैंने उस पर थोड़ा कर दिया था, लेकिन अब डेली आएगा। देख पा रहे फर्क में कोई नहीं, देख पा रहे बिल्कुल फर्क, सुनसान खाली। 4 बजे हैं, मेरा लोकेशन करंट लोकेशन है गाजियाबाद, गाजियाबाद के पास। तो और देख पा रहे बिल्कुल फर्क घूमता, चलिए हम करते हैं वर्कआउट स्टार्ट और आप जुड़े रहिए वीडियो में। बहुत मज़ा आ रहा है, इसी बता रहा हूँ, सुबह का मौसम है, ठंड का मौसम है और काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में। और हाँ, एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताने में भूल गया कि मैं वर्कआउट छोड़ दिया था तो मेरा सोने का उठने का सारा टाइम टेबल बिल्कुल ये हो गया था, मैं कब सो रहा हूँ कब उठ रहा हूँ कुछ पता ही नहीं था। मैं सुबह के 8 बजे उठता था, 7 बजे उठता था, लेकिन आज देख रहे हैं 4 बजे उठ गया हूँ। तो यही वर्कआउट करने का एक यही फायदा है कि आपका सोने का और उठने का टाइम टेबल सही रहता है, बैलेंस रहता है, फिर इस तरह ऑन बैलेंस हो जाएगा, आप कब सोइए कब उठिएगा कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो एक यही फायदा है। चलिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं वर्कआउट छोड़ रखा था बीच में, इसलिए आज सारा वर्कआउट हल्का हल्का करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे वर्कआउट। तो चलिए दूसरा वर्कआउट करें। ये देखिए जो लगा हुआ है पार्क में, ये आप सोच रहे होंगे किस लिए, मतलब किस पार्ट का एक्सरसाइज है, तो ये बैक साइड्स के लिए एक्सरसाइज है, बैक साइड्स का जो होता है ना उसके लिए एक्सरसाइज है। तो चलिए हम ये करते हैं, I'm
काफी मजा आ रहा है ठंड के मौसम में करने का, ठंड में भी एक्सरसाइज करने में मजा आता है, ठंड के साथ अच्छा लगे, तो आप करिए जरूर करिए, क्योंकि फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हर वीडियो में जुड़े अंत तक काफ़ी मजा आने वाला है, आपको अलग अलग एक्सरसाइज बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। चलिए जुड़े रहिए, आज हम सारे बॉडी पार्ट एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे, क्योंकि मैं मंडे से एक्सरसाइज रेगुलर करूँगा, चेस्ट का, बैक का, एब्स का, लेग्स का, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सुन जाओगे, तो चलिए जुड़े रहिए। चलिए हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। देख पा रहे हैं मेरा आंखें बिल्कुल लाल हो गया, क्योंकि 8 बजे उठने वाला आदमी है, 4 बजे उठ गया है तो आंख तो लाल होगा ही ना। ये देखिए चेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आप जान ही रहे होंगे, ये देखिए तो आज वर्कआउट ज़्यादा नहीं करेंगे, जो वर्कआउट कम ही करेंगे, बाकी मैं आपको एक्सरसाइज मशीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये सिर्फ हमारे पार्क में लगा हुआ है, ये देखिए ये है लेग्स का वर्कआउट, ये लेग्स के लिए काफ़ी बढ़िया है, और ये देखिए सारे मशीन बहुत बढ़िया लगा हुआ है। ये देखिए ये चेस्ट के लिए भी काफ़ी बढ़िया है, देखिए ये चेस्ट के लिए है, चलने वाला है, बहुत सारे मशीन है जो काफ़ी बढ़िया लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये आप उसके लिए है, तो काफ़ी बढ़िया मशीन लगा हुआ है यहाँ पे। चलिए मैं पार्क में और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्क का नाम है श्रीराम पार्क, जो कि बढ़िया है और लोग भी यहाँ पर आते हैं, आधे घंटे में यहाँ पर लोग आ जाएंगे, देखिए लगा हुआ है खेलने के लिए, बच्चों के लिए लगा हुआ है, यहाँ पर झूला भी है, काफ़ी बढ़िया भैया खेलने वाला लगा हुआ है पार्क, यहाँ पर सारा कुछ बहुत बढ़िया है, और हरियाली मेन बात है, हरियाली यहाँ बहुत बढ़िया है, आप देख पा रहे हैं यहाँ के पार्क में घास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो फिर यहाँ के लोगों ने, यहाँ के आसपास रहने वाले निवासियों ने ये क्या किया, पार्क को बंद किया एक महीने के लिए, और फिर इसमें घास का बुआई किए, तब से घास बहुत बढ़िया हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और पार्क बना दिया था, इसका रिपेयरिंग हुआ है पार्क का, ये देखिए इसे नया नया बना हुआ, और घास देख पा रहे हैं, पहले खाई देखिए सफाई, तो बच्चे आ जाते हैं ना उनकी वजह से सफाई तो होता है, सफाई काफ़ी सफाई होता है, लेकिन ये होता है फिर शाम को बच्चे आते हैं पूरा कचरा चले जाते हैं, लेकिन फिर सुबह सबको आएगा सफाई एक बार होगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं, और यही बताना चाह रहे हैं आपसे कि अब वीडियो रेगुलर आ सकता है मेरा, क्योंकि मैंने वर्कआउट चालू कर दिया है फिर से, और कोशिश करूँगा कि मंडे से वीडियो रेगुलर आए, क्योंकि मैं मंडे से ही वर्कआउट का डे चालू हो रहा है, और कल तो रेस्ट ही हो जाएगा, मैंने आज वर्कआउट चालू कर रहा हूँ, लेकिन कल से रेस्ट हो जाएगा मेरा, और फिर मंडे से, और मैं बता रहा हूँ अपना मेरा रूटीन क्या है, मंडे को है चेस्ट और बाइसेप्स, ट्यूसडे को है बैक और ट्राइसेप्स, वेनेसडे को है एब्स और लेग, फिर थर्सडे को है, बस ऐसे वीडियो में डाल रखा, आप देख लीजिए किस वीडियो में सब कुछ बता रखा है, ये देखिए पार्क में कोई नहीं है अभी, और आप यही देख पा रहे हैं कि इस पर कुहासा बिल्कुल नहीं गिरा हुआ है, देख पा रहे हैं कुहासा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चला आया हूँ, कुहासा अब गिना शुरू होगा, और ये देखिए प्रत्येक बच्चे को यहाँ बना हुआ है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, बाय बाय टाटा, और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बता दीजिए। तो गाइस जाते जाते मेरे बॉडी कंडीशन में देख लीजिए कितना बेकार हो चुका है पहले से, क्योंकि एक्सरसाइज छोड़ने के बाद से ऐसा ही होता है, बॉडी कंडीशन बिल्कुल डैमेज हो चुका है, तो फिर से वापस लाने की कोशिश किया जाएगा, कॉम्बैक का तो कुछ नहीं हुआ, तो चलिए फिर मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा।